मुरादाबाद के भोजपुर थाना क्षेत्र में एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जिसमें मदरसा संचालक पर बीए की छात्रा ने गैंगरेप का वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करने का आरोप लगाया है। पीड़ित छात्रा ने इसकी शिकायत एसपी देहात से की है, जिस पर उन्होंने थाना पुलिस से मामला दर्ज कर सख्त कार्रवाई के आदेश दिए हैं, लेकिन अभी तक किसी भी आरोपी को गिरफ्तार नहीं किया जा सका। मेरा नाम बेबी तबस्सुम है, मैं सालतपुरा इसमें लौट के रहने वाली हूँ। मेरे पिता का नाम जमील अहमद है और जो ये लोग हैं फुरकान सर और वो पीपल थाने के रहने वाले हैं शिवानंद भटनागर। इन्होंने अपना घर बुलाया मुझे पढ़ाई के बहाने से, बीए की पढ़ाई के, मैं बीए कर रही थी, बीए के लिए इन लोगों ने मुझे वहाँ बुलाया, बोले वहाँ फॉर्म भरेंगे आपका, और बुलाकर मुझे कोल्ड ड्रिंक में नशा दिया। नशा दे करके मेरे साथ गलत काम किया इन लोगों ने। 5 से 7 लोग थे ये, इसमें से 5 लोगों का नाम मुझे याद है, फुरकान शिवानंद भटनागर, दूसरा फुरकान है भोजपुर का, और भोजपुर का गुड्डू शाहनवाज, और 2 नाम मुझे मालूम नहीं है। और वो लोग बारी बारी से इन लोगों ने मेरे साथ बलात्कार किया, और ये लोग 2 साल से मेरे साथ करते चले आना, और इन लोगों ने मेरी वीडियो बनाई, हर किसी ने मेरी वीडियो बनाई है, सब इन लोगों के पास है ही वीडियो मेरी, इन लोगों ने मेरे सामने ही बनाई है मेरी वीडियो। और जो ये बात वायरल करने के लिए मेरे को बोल रहे थे कि ये सब हम वायरल कर देंगे, छोटी बहन को लेकर के आओ, वरना एक जो वो है एक छोटी बहन को लेकर आओ, वरना तो क्या कहते हैं हम तुम्हारी ये वीडियो वायरल कर देंगे आगे। और 2 बार इसी चक्कर में मेरा गर्भपात भी हो चुका है, जिसकी वजह से मुझे बहुत दिक्कत है, और ये लोग क्या कहते हैं ना मान नहीं रहे हैं। पहले फ़ोन पर फुरकान सर ने मेरे से फ़ोन पर 30 तारीख को और 25 तारीख को फ़ोन करके कहा कि अपनी बहन को लेकर के आओ, बहन को लेकर के आओ, और अब है ना इन्होंने सीमा भटनागर ने मेरे यहाँ कोरियर से CD भेज दी मेरे बलात्कार करते हुए, जो फुरकान सर की वीडियो है, सिर्फ एक आदमी के साथ की वीडियो भेजी है, बाकी इन सब लोगों के पास मेरी वीडियो। थाना भोजपुर क्षेत्र अंतर्गत एक युवती के द्वारा यह आरोप लगाया गया है कि उनको नौकरी देने के बहाने एक व्यक्ति द्वारा बुलाया गया अपने स्कूल में, और वहां उनके साथ गलत कार्य किया गया। इस बारे में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है, पुलिस के द्वारा छानबीन जारी है, सत्यता के आधार पर कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। सर 7 लोग थे उसमें, कुछ गिरफ्तार हुए? नहीं, अभी साक्ष्य संकलन की कार्यवाही जारी है और तथ्यों की गहराई से छानबीन जारी है। ऐसा कुछ सुनने में भी आया आजकल? अब वो सारे आरोप लगाए गए हैं, पुलिस घटना के प्रत्येक पहलू की गहराई से जांच कर रही है।